नमस्कार दोस्तों, नयनतारा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जीरो बजट में DIY प्रोजेक्ट बनाना बताऊंगी। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप जैसे वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जो टिन होती है, तेल का आपका 15 लीटर वाला टिन का डिब्बा होता है, उसको आप कैसे एक DIY स्टूल बना सकते हैं या फिर उसको आप कैसे एक छोटी सी सेंटर टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। जीरो बजट में आप देखिए कैसे उसका एक अच्छा सा उपयोग हो सकता है। फ्रेंड्स, आज हम आपको DIY दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये हमारी एक तेल की टिन है, इसमें हम रिफाइंड लाए थे और इसका हम DIY कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कैसे हम इसको आपको एक टेबल के रूप में बना के दिखाएंगे। देखिए, अब मैंने इसको कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया है। आप इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेंगे वरना ये स्टिक नहीं हो पाएगा। और आपको बताना चाहूँगी, ये पेपर देख रहे हैं, इस तरह के कलरफुल पेपर आपको मार्केट में मिलते हैं। ऐसे कलरफुल पेपर आपको जिस भी कलर का पसंद हो ले आइएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं इसका उपयोग कैसे कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अब आप एक फेविकोल की बॉटल लाएंगे और इस तरीके से आपको पेपर पे फेविकोल लगाना है। देख रहे हैं आप कैसे मैं पेपर पे फेविकोल लगा रही हूँ। आपको पहले साइड्स में लगाना है। आप इस तरीके से देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप फेविकोल लगाते जाइए। इसी तरीके से आपको पूरे पेपर पे फेविकोल लगाना है और कुछ आपको बीच बीच में भी लगाना है। देख रहे हैं दोस्तों मैं कैसे लगा रही हूँ जी। इसी तरीके से आप बिल्कुल फेविकोल लगाते जाइए और देखिए आप पुराने टीन के डिब्बे का कैसे एक स्टूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं ना आप फ्रेंड्स, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इस पेपर को चिपका लिया है। ऐसे आप घुमा घुमा के अच्छे से फेविकोल से पेपर को चिपका लेंगे। फेविकोल बहुत अच्छे से पेपर जो है वो कर ले रहा है। ऐसे ऐसे घुमा करके आप चिपकाते जाइए। देखिए फ्रेंड्स, इस टीन के डिब्बे का कैसे रीयूज हो गया है, इसका मेकओवर अब आप बता सकते हैं ये टीन का डिब्बा। और साथ में आपको बता दूंगी, ये एक मेरा पुराना जूड़ा है जो ख़राब हो गया था और किसी भी काम में नहीं आता था। ये देखिए, इसकी इलास्टिक एकदम ख़राब हो गई, तो इसके जो फ्लावर्स लगे हैं इनको निकाल करके मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब इसी तरह मैं इनके फ्लावर्स को ऐसे साइड साइड में लगा दूँगी, जिससे ये देखिए आप कहीं कह सकते हैं कि ये टीन का डिब्बा है। अब इसको आप एक डेकोरेटिव पीस की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें बैठ सकते हैं। मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पर बैठ गई। आप इसको स्टूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पर बैठ गई। आप इसको एज ए स्टूल भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई गेस्ट है तो आप उसे बैठने के लिए भी ऑफर कर सकते हैं। इस पर आप चाहें एक छोटी सी गद्दी, चाहे ऐसे एक छोटा सा डाल करके इस तरह से डाल दीजिए और ये बैठने के काम आएगा। बैठ देख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है। या फिर आप बैठिए, या फिर इसको आप ऐसे डेकोरेटिव पीस भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप रूम में लगाइए और इसे ऐसे डेकोरेट करिए, है ना अच्छा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये है DIY टूल। आप चाहें तो इस पर बैठ सकते हैं, कोई गेस्ट आए तो इसे आप चाय रख के सर्व कर सकते हैं, या फिर आप अपने डाइनिंग रूम में ऐसे डेकोरेटिव पीस यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कितने अच्छे DIY टूल हैं। आप किसी भी चीज़ों का DIY देखना चाहते हैं, बेस्ट चीज़ों को आप कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। मैं आपको बताऊँगी कि आप बेस्ट चीज़ों का कैसे उपयोग कर सकते हैं और उनको कैसे आप जो है अपने घर में उपयोग कर सकते हैं और उनका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरे DIY टूल है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। आप बता सकते हैं कि ये टीन का डिब्बा है। आप कुशन कवर डाल दीजिए, कुशन डाल दीजिए या एक छोटी सी टाइप की बना लीजिए, छप्पर डाल लीजिए, तो आप इसमें बैठ भी सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको और भी DIY प्रोडक्ट जो है उसके वीडियोज़ बना करके भेजती रहूँ। धन्यवाद।